हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। छुट्टी के दिन लेट से उठना और चाय वगैरह पी के आराम से काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो यहाँ पे आराम से चाय वगैरह पी के मैं आई हूँ बाहर। मौसम का थोड़ा आनंद लेते हैं क्योंकि आज बारिश हुई थी सुबह में। तो सुबह में जब बारिश हो जाती है ना तो मौसम ठंडा सा हो जाता है। यहाँ पे मौसम ठंडा ठंडा है, अच्छा लग रहा है। और अभी मैं कर देती हूँ यहाँ का झाड़ू वगैरह, क्योंकि झाड़ू ना करो ना तो फिर यहाँ पे आके खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और सुबह सुबह बाहर की झाड़ू तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं लगा दूंगी झाड़ू। और यहाँ पे बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी तो वो सारी चीज़ें मुझे ठीक करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ झाड़ू और फिर शाम तक यही हाल हो जाता है यहाँ का। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ झाड़ू। बच्चे जिनके घर में होते हैं ना, वो बाहर से लेके अंदर तक सारी गंदगी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे बस यहीं पे है पत्ता और कुछ कुछ बॉल वगैरह गिरा हुआ था, जो कि मैंने सब कुछ हटा दिया है। बस आराम से इसे झाड़ू कर दूंगी। और आज मैं पूरे घर की क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रि है। तो नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें ना, जिनके पास जितना भी होता है ना, वो सारी चीज़ें क्लीन कर देते हैं। और साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा तो नहीं पर कभी कभी तो पूरे घर की क्लीनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब बाहर अभी ना अजीब सा हो गया है बारिश के वजह से, भीगा भीगा और पूरा हवा चल रहा था। क्लीनिंग तो हमारी थोड़ी बहुत हो चुकी है। यहाँ पे मशीन मैंने बाहर ही रखा हुआ है, तो उसे भी मैंने चला कर देखा तो थोड़ा सा उसमें धागा का कुछ धागा अच्छे से नहीं चल रहा है, दिक्कत आ रहा है धागा में, तो उसे अभी ठीक करवाना पड़ेगा। और फिर मैं आ गई सीधा ही बाहर से रूम में, और किचन की भी मुझे क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे ये जो डब्बे हैं ना, उसके अंदर चूहे अंदर चले जाते हैं और जो भी सामान होता है ना, वो आराम से रात को पूरे अच्छे से खा लेते हैं। तो इसीलिए ना पूरा जो पैकेट वाला है ना, वो सब फाड़ चुके थे। और यहाँ पे मैंने एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसके ऊपर भी चढ़ के और आज रात को अच्छे से मतलब खा चुके थे। तो कितना भी भगाओ ना तो भागते भी नहीं है ये। बहुत चूहे मेरे घर के दिक्कत परेशानी कर रखे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे भी मैं हटा देती हूँ। जो भी चीज़ें खाए हैं उसे यहाँ पे देख सकते हो, उस सारी चीज़ों को मुझे फेंकना भी था। तो फिर हस्बैंड से बोले कि ये क्या करूँ, तो बोले कि इसे ना चिड़िया को खिला दो ना तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर फेंकना सही नहीं है। तो फिर मैं उसे ना अच्छे से मतलब रख दूंगी और थोड़े थोड़े करके ना, जब दोपहर में चिड़िया आती है ना तो फिर डाल दो, तो अच्छे से खा भी लेगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, तो इतना सारा मतलब पूरा जो होता है ना, फाड़ फाड़ के निकाल दिया है। और मैं सोच रही थी कि इस डब्बे को भी धो देते हैं, तो जो भी सामान है ना उसको मैंने निकाल दिया है, जो थोड़े बहुत से हैं। और यहाँ पे झाड़ू कर देते हैं, क्योंकि मुझे झाड़ू भी करना था, साथ ही साथ साफ़ सफाई पूरी करनी है। आज मैं सोच रही हूँ कि जितनी हो सके उतनी क्लीनिंग मेरी हो जानी चाहिए नवरात्रि स्टार्ट होने से, क्योंकि फास्टिंग जिनके घर में होता है वो अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं। यहाँ मैं तो 9 दिन की नवरात्रि नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। फर्स्ट और जो लास्ट होता है ना, बस मैंने वही किया है, तो वही इस बार भी करूँगी। तो साफ़ सफाई थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी फ्रिज को भी क्लीन करने के लिए, क्योंकि जिस दिन से नवरात्रि, कल से नवरात्रि स्टार्ट होगी, तो लहसुन प्याज भी नहीं बनेगा। मैं सोच रही थी कि सारी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मेरा फ्रिज क्लीन था, बट जो भी थोड़ा बहुत प्याज वगैरह मैंने रखा था और भी सब्जी वगैरह था ना, वो सोच रही थी कि आज मतलब जो भी है सब खत्म कर दूंगी और बना के। तो यहाँ पे हमारी फ्रिज भी क्लीन हो चुकी है, और इसमें से जो भी डब्बा था ना वो मैंने निकाल दिया है, और इसे अच्छे से धोऊंगी और उसके बाद ही फिर लगाऊंगी इसमें। यहाँ पे फ्रिज का डब्बा और जो मैंने आटा चावल रखती हूँ वो डब्बा सब लेके आ गई हूँ अच्छे से धो के। जो फ्रिज का डब्बा था उसे मैंने तुरंत ही धो के और अच्छे से पोंछ के रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने सुखाने का सोचा है इसे। ऐसे ही मैंने अच्छे से पोंछ के और कॉटन से और फिर मैंने उसमें रख दिया है। और ये है ना जो स्टील का, उसे मैं पोंछने वाली नहीं हूँ, थोड़ा धूपा में अच्छे से सुखा दूंगी उसके बाद रखूंगी। इसमें ड्राई चीज़ें रखनी है तो फिर ख़राब होने का चांस रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया। जैसे ही ये सूख जाता है आराम से पोंछ के, और उसके बाद फिर इसमें सामान वगैरह डाल दूंगी।
यहाँ पे अभी मैं पोछा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पोछा अभी तक नहीं किया था। सोच रही थी कि सारे कामों को ना जो भी है वो सब कुछ निपटा दूँ, उसके बाद ही पोछा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड है, बाबू है, बाबू अभी स्टडी कर रहा है क्योंकि अभी तो हम दोनों का काम हो रहा है, बाबू को पढ़ा रहे हैं ये और अपना काम वगैरह भी देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारी भी काम हो चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में फाइनली ब्रेकफास्ट की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने मसाला के लिए जार में मसाला भी तैयार कर दिया है, इसे मैं ग्राइंड कर दूंगी। और इधर मैंने प्याज और थोड़े से मिर्चा मैंने कट कर लिया है। और एक कुकर में थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है, और थोड़ी सी मैंने मिर्चा डाली, जीरा डाला और अच्छे से उसे मिक्स करके जैसे ही हमारा जीरा चटक गया फिर मैंने प्याज डाल दिया है और प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। बहुत ही अच्छी खासी रेसिपी बनाने वाली हूँ आज की। और यहाँ पे मसाला जो भी मेरा था ना अदरक लहसुन का, वो सारा इसी में मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने चना को बॉईल कर लिया था पहले ही अच्छे से धो के, और आलू थोड़ा सा मैं ऐड करने वाली हूँ क्योंकि आलू से ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने आलू को भी बॉईल कर लिया था और उसे अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे से टुकड़े में, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर तक चलाऊँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक पानी और उसे अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी, मतलब 3-4 सीटी लग जाएगा ना, तब मैं इसे उतारने वाली हूँ अभी भी क्योंकि ये बॉयल्ड हो चुका है फिर भी, और धीमी आंच पे मैंने इसे रख दिया है। 1-2 सीटी लेगा ना, उसके बाद ही मैं उतारूँगी। यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटी भी तैयार कर दिया है, बाबू को अभी फटाफट से दे दूँगी खाने के लिए, उसके बाद मैं चलूँगी स्नान करने। यहाँ पे हमारी काम हो ही चुकी है थोड़ी बहुत, जो भी बाकी है ना उसे भी करूँगी। इतना ज़्यादा आज का हो गया ना कि सुबह सुबह तो मैं आराम से उठी थी, चाय वगैरह पी और लगा ना कि आज तो बहुत आराम लग रहा है, बट पूरा जब स्टार्ट हो जाता है ना कोई काम करना तो फिर ये होता है ना कि काम करते रहो पता ही नहीं चलता है कितना देर हो गया। तो यहाँ पे स्नान वगैरह करने के बाद बाल झाड़ लिया है और आ गई हूँ सीधा ब्रेकफास्ट निकालने। जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह निकालती हूँ हस्बैंड और हम करेंगे, बाबू को तो मैंने उसी टाइम करा दिया था, और उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या काम है। और ये ना सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है सच में, और मैं सोच रही थी ना कि आज टेस्टी बन जाए क्योंकि चने की सब्जी उसके बाद नहीं बनेगी 9 दिन तक, और यहाँ पे चना चढ़ाया जाता है तो चने की सब्जी नहीं बनती है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए चने की सब्जी ही बना देती हूँ। और इधर मैंने सैलेड भी कट कर लिया है। यहाँ पे हमारी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुकी है, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपको। और यहाँ हस्बैंड के लिए भी लगा लिए हैं, खुद के लिए भी लगा लिए हैं, आज काम वगैरह करते करते ना टाइम बहुत जल्दी निकल गया, और आज साथ में खाने का मौका मिल रहा है क्योंकि ऐसे होता है ना कि हस्बैंड मॉर्निंग में खाना पीना खा के ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं और फिर मैं तो अपना काम वगैरह ख़त्म करके ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो आज हम लोग साथ में किए हैं और छुट्टी ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। और यहाँ पे अभी पर्दा वगैरह लगा देती हूँ, कल ही मैं धो के रख दी थी पर्दा को और अच्छे से सूख भी गया है, अभी फ्लावर नहीं सूखा था बट अभी दोपहर का वक्त हो गया ना तो अच्छा खासा धूप आया था तो सूख गया है यहाँ पे। और ये अभी इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ, टेबल क्लॉथ भी मैं लगा देती हूँ। 10-15 दिन में ना ये टेबल क्लॉथ बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वाइट कलर का है, वाइट कलर पे ना जल्दी घी वगैरह गिरता है तो लग जाता है। और ये हमारी हो चुकी है फाइनल डन, अभी मैंने तैयार कर दिया है और जो भी सामान नहीं है वो सब भी लेके आ जाऊंगी। और कल मेरी फास्टिंग होगी, पहला नवरात्रि और फिर जो 8वां नवरात्रि होता है ना लास्ट वाला वो मैं करती हूँ हवन वगैरह। तो यहाँ पे अभी जो भी काम था ना वो सारा मेरा हो चुका है मंदिर का और फाइनल डन हो चुका है। यहाँ पे फिर मैंने डब्बा उठा के लेके आ गई हूँ बाहर से और अच्छे से मैंने पोंछ दिया था, जो भी सामान था वो सब कुछ डब्बा में मैंने भर दिया है। और यहाँ पे ये नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, छोटा छोटा जो भी पाउडर वाला होता है ना ये एक डब्बा में मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। चार
सो ही गाइस, आप लोग कैसे हो? और अभी शाम का वक्त हो रहा है, काम वगैरह ख़त्म करते करते ना, मतलब शाम हो गया और पता भी नहीं चला दिन आज का। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, तो उसके वजह से आज हस्बैंड की छुट्टी थी, तो इमरजेंसी से ड्यूटी थी, ऐसे छुट्टी थी, तो पूरे दिन घर पे ही थे। और इस वजह से ना काम बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा बहुत तो काम ज़्यादा हो ही जाता है। तो बस आज ना लाइट वगैरह ठीक करना था, बहुत दिनों से मतलब लाइट ख़राब चल रहा था, तो आज फाइनली ठीक कर दिए हैं। अभी अच्छा खासा लाइट भी आ रहा होगा, तो अभी ठीक ठाक हो चुका है। और करीबन अभी बज चुका है शाम के 7। आरती करने के बाद फिर चाय वगैरह बनाए, और उसके बाद बस सीधा अभी आराम मिला है। अभी मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, थोड़ी देर के बाद ही करूँगी। अभी 7 बज रहा है, 7 बजने 9 बज तक पढ़ाऊँगी, उसके बाद कुछ बनाऊँगी। और दोपहर में मैं खाना आज बहुत सिंपल सा रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने चने की सब्जी बना दी थी और उसके साथ रोटी तैयार किया था। तो फिर दोपहर में बस मैंने जीरा राइस बनाया है और फटाफट हम लोग वही खा लिए हैं। इतना ज़्यादा काम की वजह से ना, मतलब ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है क्वार्टर, उसको ठीक करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि वो वीडियो अच्छा लगे। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अभी जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट से क्या क्या लेके आ रहे हैं? कुछ खास नहीं, कल से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, तो नवरात्रि के पर्पज़ से कुछ सामान लाना है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की हम बहुत भी बहुत ज़रूरत अच्छे है। हैं और अभी जा रहे हैं मार्केट। दुर्गा पूजा का कुछ सामान लेना था, क्योंकि कल से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, कल से स्टार्ट हो जाएगा नवरात्रि, तो नवरात्रि में एक दिन, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन मैं करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, शाम के बज रहा है अभी 7:30, तो चलिए चलते हैं मार्केट और क्या क्या लेके आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। गाइज, अभी आ गए हैं मार्केट से और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुँह हाथ धो लिए हैं। और करीबन अभी बज चुका है 9, चेहरा देख सकते हो कैसा हो गया। गाइज, अभी निकाल के दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं कल के लिए। ये है बैग, इसी में लेके आए हैं। पूजा का सामान है और सब्जी वगैरह भी लाना था, तो वो भी लेके आ गए हैं यहाँ पे। और कल से लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे, तो बस लहसुन प्याज नहीं लेके आए हैं। और यहाँ पे सब्जी में मिर्चा, आलू, टमाटर, नेनुआ, ये सब चीज़ लेके आए हैं। और बंधा गोभी है। सो गाइस,
आपको दिखा दे, सबसे पहले ये बाबू के लिए 2 ठो सेंडो गंजी है, और ये है टेबल क्लॉथ। सो गई, देख सकते हो कि ये है, अभी रात को पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। ये और ये है पूजा का कुछ सामान, जो भी दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है वो सब है, सिंदूर, बिंदी, टिकली और अलता, ये सब है। और ये है किताब और चुनरी, माला, ये सब, और तेल, तीली का तेल यूज किया जाता है, तो वो, ये सब कुछ। यहाँ पे नारियल, पान का पत्ता, फूल, और ये प्रसाद के लिए जो डेली चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए हम काजू और बादाम लेके आ गए, 250-250 ग्राम है, इसे अलग रखेंगे, खाने में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रसाद में यूज़ करेंगे। और ये है दियरी, जिसको आज ही डाल देंगे फूलने के लिए, पानी में कल निकाल देंगे। ये सब है, और यहाँ सब सब्जी लेके आए हैं, और ये नया कढ़ाई जिसमें प्रसाद वगैरह बनाएंगे, या फिर उसके बाद घर के लिए, ये इसमें बनाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे कल, कुछ मीठा इसमें बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ ना, बर्तन होता है उसको बनाया जाता है, सबसे पहले मीठा बनाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले मीठा बनाएंगे, क्या बनाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे बाद में। तो ये सब कुछ लेके आए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं, अभी खाना बनाएंगे कुछ, अब देखते हैं कि क्या बनाते हैं, यही सब कुछ लेके आए थे। सो गाइस, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब